बिन बोले आ तो सब कुछ जानदा। चाहे भी तो ना इतनी हमारी हैसियत है कि हम ना इतना मुंह है कि उनका गुणगान कर सके, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि उनका शुक्राना कर सके, पर फिर भी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है। सत्संग बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरु जी ने सबके हैं, तकरीबन सबको होते हैं, कोई बोल पाता कोई नहीं बोल पाता। तो मैं अपना शुरू करता हूँ, कहाँ से शुरू करा जाए। हम जब गुरु जी ने जब हमको अपने से जोड़ा, हम क्या जोड़ सकते हैं, तो क्या होता है जब उन्होंने हमें अपने से जोड़ा। हमें कोई बताने वाला नहीं था गुरु जी कौन है, कहाँ है, कैसे दिखते। इंसानी जीवन में तो हर दिन परेशानी है, कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। हम भी आज 5 साल होने को आ गए, 2014 की बात है, 2014। हमें किसी ने बताया कि आप परेशान हो तो गुरु जी के चले जाओ, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया किधर है कैसे है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि गुरु जी है छतरपुर और वहां पे कोई पंडित पुजारी नहीं है, कोई घंटे बजा नहीं बैठे हैं, कैसा मंदिर है। हमारी नजरों में तो इमेज थी जैसे काली माँ का मंदिर सड़क के किनारे बना, मानता बढ़ गई, लोग मानने लग गए, बढ़ता चला गया, वैसे ही मंदिर की इमेज लगा के रहते थे। तो हमें किसी ने कहा आप वहां चले जाओ। अब उस समय आता हमने ठीक है चले जाएंगे कभी जब मौका आएगा। तो यूं ही बात करते करते 4-5 दिन निकल गए। हमें उन्होंने बताया कि गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा होता है, तो एक पैशन सा बन गया, शौक हो गया कि गाड़ी के पीछे देखना गुरु जी लिखा। पर मन में आ रहा है कि हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है, वो अपने को गुरु जी, अपने गुरु को गुरु जी कहेगा, वो गुरु जी लिख लेगा तो ये थोड़ा ना गुरु है। लेकिन फिर 5-7 दिन जब बीते, एक चीज समझ में आई कि जो पैटर्न था, लेकिन जो तरीका था, जो फाइल था, जो तरीका था, वो सब कुछ सेम था। मतलब है तो कहीं एक जगह था, चाहे किसी भी जगह का हो, लेकिन ये है एक जगह। चलो हम ऐसे बैठे, अभी 10 दिन नहीं बीते, मैं वहीं बैठा हूँ, कोई 2 आदमी हम 3 जने बैठे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो दोनों कल आपस बात, आपस बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो मेरा बड़ा बुरा हाल था, मैं ऐसे मैं वैसे, मैं गुरु जी के पास गया, मेरा ये बदल गया, वो बदल गया। उसी समय मेरे दिमाग में बजा कि ये तो हमारे इंडिकेशन है, 10 दिन पहले बात हुई है, हमें किसी ने कहा है, 10 दिन बाद फिर बात आ रही है। मैंने अपनी सिस्टर को फोन मारा, बच्चे में रहते हैं, मैंने उनको जिक्र कर दिया था कि ऐसे किसी ने बताया गुरु जी के जाने का, तो मैंने उनको फोन मारा कि चले। हमें कोई पता नहीं मंदिर का टाइमिंग क्या है, हमें कोई पता नहीं कि मंदिर है किधर, हमें कुछ नहीं पता किस दिन बंद होता है किस दिन खुला होता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो सोमवार को पूरा दिन खुला होता है, नहीं तो क्या होता, अगर मंगल या बुध को जाते तो बाहर से वापस आना पड़ता, या ऑड टाइम वीर शुक्र शनिवार इतवार जाते तो हमें नहीं पता था कि शाम का टाइम खुलता है, हमें यह भी नहीं मालूम था। और हमें तो पता ही था, छतरपुर जिंदगी में नहीं गए, सारी जिंदगी दिल्ली में निकल गई, लेकिन उस एरिया में कभी वास्ता नहीं पड़ा। भईपालपुर के आसपास शादियों के जो प्रोग्राम होते वहां तक गए, उसके आगे गए नहीं कभी। तो मैं अपने सिस्टर के साथ हम दोनों चल पड़े। हमें सिर्फ इतना कहा था कि राधा स्वामियों के आसपास कहीं हैं, अब वो छतरपुर के पास 10 किलोमीटर हो, लंबी लंबी सड़कें, पहले तो पता ना लगे सही भी जा रहे गलत तो नहीं चले गए कहीं, नहीं वो नहीं जा रहे हो। अब हम राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंच गए, हम उनके हर गेट पे पूछे, हम उनके हर गेट पे पूछे, हम उनके हर गेट पे पूछे कि गुरु जी का मंदिर है, आगे जाओ, वो भी बहुत लंबा है, जो राधा स्वामी का जो है वो भी गेट 7-8 नंबर का गेट है, पर बहुत दूर तक जा रहा। हम जल्द पूछते 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 बड़े मंदिर पहुंच गए, जो हमारी इमेज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट। हम क्या सोच रहे थे कि सड़क के किनारे काली माता मंदिर जैसे ऐसे मंदिर होगा, वहां कुछ और ही है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगा।
मेरी सिस्टर के साथ गई थी, उनका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया ऑपरेशन कसरी के कारण, तो उसको कुछ भी जैसे तला हुआ खा ले चाहे ऐसा कुछ भी ले तो उनको जलन होने लग जाती है, वो डाइजिन लिक्विड डाइजिन खा सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं पता, हम लोग गए, हमें कोई बताने वाला नहीं, जैसे जैसे समय जा रही हम भी चल पड़े, मत्था टेका हमने भी टेका, आगे निकल के प्रसाद के लिए बैठे थे, चाय प्रसाद। सिस्टर हमारी सिस्टर बोली कि मैं तो ये नहीं खाऊंगी, वो मेरे को इशारा करेगी तुम खा लो, मैंने वहीं से उनको इशारा किया और हम अलग अलग बैठ गए थे, मैंने कहा आप खा लो देखा जाएगा। अब आप ये लगा लो शंकर जी की हमने प्रसाद लिया और हम वापसी के लिए चल पड़े, सिस्टर धीरे धीरे चलते क्योंकि वेट भी ओवर है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे चल रही थी और उनको ये था कि अब मैंने खा लिया है चाय प्रसाद का मौसम, मेरे को जलन होगी तो मैं जल्दी पहुंचू गाड़ी, क्योंकि तो अंदर आप ले जा नहीं सकते, डाइजिन गाड़ी भी पड़ी थी। अब हम जल्दी जल्दी पहुंचे, गाड़ी में बैठे, आने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं रास्ते में, तो सिस्टर ने डाइजिन हाथ में पकड़ी और अपना 2 घंटे समझ जी देखो गुरु जी ने पहली मेहर कैसे करी, 2 घंटे बीत गए उन्हें कोई जलन नहीं हुई, जय गुरु जी, कोई जलन नहीं, हम घर आ गए, हमें कुछ नहीं पता, हमें थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन पता लगे। गुरु जी की इतनी मेहर देखो, पहले दिन ही उन्होंने विश्वास जमाया कि यहाँ कुछ है, कोई शक्ति है। फिर हमारा दोबारा जाने का प्रोग्राम बना, हमें वहां से टाइमिंग का पता लग गया, इस टाइम खुलता है, ये है, फिर भी हमें कोई रूल नहीं पता था। फिर हमें एक दिन उन दिनों बेटे के पेपर हुए थे 12वीं के, तो फिर हम सारे जने हुए, 3 सिस्टर हैं, मैं, सारे बच्चे बच्चे बड़े मंदिर गए शाम को। अब हमें भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमें ये नहीं पता था कि आगे जाना है, हम बाहर बैठ गए दरबार के बाहर जो खड़ी वगैरह है, लोग आगे जा रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ ठीक है, यहाँ हवा आ रही है, हम बाहर ही बैठे हुए हैं, लोग आगे जा रहे हैं हम वहीं बैठे हुए हैं। बाद में हमें किसी ने बताया कि आगे भी जाना है, हमें कोई रूल नहीं पता, हम अंदर चले गए। अच्छा, तब हमें कुछ भी नहीं पता था कि वहां अंकल आंटी बोलते, मैं बाहर खड़ा था वेट कर रहा था सिस्टर की, तो आंटी जिनकी उम्र 40-45 साल रही होगी, वो मेरे को कह रही कि अंकल आप यहाँ कैसे खड़े हो। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा आंटी अपनी उम्र देखो, मुझे अंकल कह रहे हो, तो पता ही कुछ नहीं जब, तो मैंने कहा मैं वेट करो, कह रही आप थोड़ा आगे जाकर वेट करो, मैं ठीक है जी। उस दिन हमें कुछ नहीं पता था, हमने सेवा वालों से कई बात पे उन्होंने हमें डांट भी लगाई, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वहां पैर नहीं रखते जिसपे लंगर होता है, चटाई जो बिछाते हैं, और बहुत सारी बातें हमें नहीं पता था, वो रूल हमें उस दिन पता लगने लगे। बहुत अच्छा लगा, गुरु जी ने अपने से जोड़ा, और वो कैसे मेयर करते हैं और वो क्या क्या मेयर करते हैं, मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और कहते हैं कि सत्संग पहली कोशिश ये करो जो अपना हो, जो आपके अपने साथ हुआ हो, ऐसा नहीं कि आप सुनाओ नहीं कर सकते, सुनाओ भी कर सकते हो, वो भी सत्संग होता है, लेकिन खुद का जो करा खुद के साथ जो हुआ हुआ होता है वो सत्संग ज्यादा अच्छा रहता है। अब मैं यहां से बताना चाहता हूं कि वो मेयर कैसे करते हैं। गुरु जी ने इतनी मेयर करी है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज अगर मैं यहां खड़ा होकर सत्संग कर रहा हूं, ये जिंदगी उनकी बख्शी हुई है, उन्होंने हर तरह से बख्शीश की है, लाइफ दी है, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ उन्होंने संभाला। हमें नहीं पता कि अगर वो अपने से ना जोड़ते तो ये हमारा समय कटने वाला नहीं था, ये पिछले 5 साल जो निकल गए निकल नहीं सकते थे किसी भी कीमत पर, ये उन्हीं की मेहर है। और उनकी शक्ति क्या है वही मैं आपको बताने लगा हूं। अब 12वीं के पेपर दिए बेटे ने, आप ये लगा लो जैसे आमतौर पे होता ही है, स्कूल से टीचर बुला लेते आओ जी आपकी बच्चे की ये शिकायत है वो शिकायत है, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, हम गए बात बात करी, तो मन में होता डाउट कि भाई पता नहीं पास कैसे होगा, कैसे चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो गुरु जी की इतनी मेहर, हम पहली बार जब बड़े मंदिर गए थे, सेकेंड टाइम हम, बाकी बच्चे तो पहली बार ही गए थे, बहुत मन को शांति मिली, बैठ के वहां पहले शब्द सुने फिर प्रसाद लिया फिर वापस आए। तो गुरु जी की मेहर देखो, उस टाइम पे आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की बात कर रहा हूं,
गुरु जी ने बेटे को 90% नंबरों से पास करवाया। जय गुरु जी। जिसकी कोई हमें तो उम्मीद थी नहीं, साफ बात, वो गुरु जी की मेहर थी। उन्होंने उसको बीकॉम ऑनर्स एडमिशन नहीं मिलता बच्चों को जल्दी किया। अब तो खैर और आगे बढ़ गया मामला, बहुत टाइट हो गया, कितने परसेंट मार्क्स हुआ फिर भी एडमिशन नहीं मिलता। गुरु जी ने उसको डीयू में रेगुलर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन दिलवाया। गुरु जी की मेहर, उन्होंने उसको कॉलेज में भी फर्स्ट डिविजन से पास करवाया। इतना गुरु जी ने मेयर का हाथ उस पर रखा, थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन उसकी जॉब भी गुरु जी ने गुरुद्वारा में लगवा दी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, उसको नाइट की जॉब मिल गई। एक साल उसने करी, लेकिन वो बहुत परेशान हो गया, कहता नाइट जॉब मेरे से नहीं होगी। तो कहता था, कहता गुरु जी मेरी ना आप चाहे यही तनख्वाह रहे, मेरे दिन की लगवा दो और मुझे कैब मिल जाए। देखो गुरु जी कैसे सुनते हैं, उसे कोई समझ नहीं, क्योंकि कभी घर से स्कूल, स्कूल घर से कॉलेज, उसके आगे कोई यारी दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, ये गुरु जी की मेहर है। वो कैसे ब्लेस करते, आजकल बच्चे माहौल कितना खराब है, उसके बावजूद उन्होंने कितने तरीके से सारा काम निपटा दिया। जॉब लग गई, गुरु जी ने जॉब बदलवा भी दी, उसे पता ही नहीं था कि जॉब पहले ढूंढ के फिर पिछली छोड़ते, पहले पिछली छोड़ दी आगे ढूंढना शुरू करा। अब जहां जाओ, जहां जिससे बात करो वही कह रहा है जी आपने पहले ढूंढ के क्यों नहीं छोड़ी, पता ही नहीं, हमें भी कोई समझ नहीं, क्योंकि हमने भी जॉब वगैरह नहीं किया, अपने काम सारी जिंदगी किया। तो देखो गुरु जी की मेहर। अब मैं यहां से सत्संग सुनाता हूं, सिर्फ 15 दिन गुरु जी ने लगाए, सिर्फ 15 दिन में दूसरी जॉब लगी। वो इंटरव्यू की तैयारी करके गया, बड़ी नामी कंपनी है गुड़गांव की, जहां उसका इंटरव्यू पहला। हम उसको कहते थे तू 10-5 कंपनी में ट्राई कर ले, नहीं हो जाएगा, लग जाएगी, बाद में कहीं कुछ ना हो रहा। पहली कंपनी में ही गया, इंटरव्यू की तैयारी करके गया, क्या सवाल जो हुआ होंगे आप समझ सकते हो, कि इंटरव्यू में मोटा मोटा आइडिया होता है क्या सवाल हुए होंगे। अब आप यहां से सुनो सवाल क्या था, बेटा जाके बैठा है जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसने पहला सवाल क्या किया, कहता सत्संग जाते हो। जय गुरु जी। किसी इंटरव्यू में ये भी सवाल होता है कि सत्संग में जाते हो, वो खुद ही गया कि मैं क्या तैयारी कर रहा था, कोई पूछे मैं उसका जवाब दूंगा, ये क्या क्वेश्चन है। तो उसने कहा हाँ जी हम तो जाते हैं सेवा भी करते हैं। तो कह रहा कहां पे जा, कौन से गुरु जी, कह रहा छतरपुर वाले। बॉस कहता हाँ ठीक है बिल्कुल ओके। और उसके बाद संगत जी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, जाओ। जय गुरु जी, ओके रिपोर्ट। और अब जब जॉब लग गई, उसके बाद पता लगाया जी उन्होंने पता नहीं कितनों को रिजेक्ट किया। ये उनकी मेहर है, आप देखो कैसे वो वहां पकड़ते हैं। किसी इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ उनकी मेहर है। बाद में पता लगा वो बॉस भी गुरु जी को मानता है, लेकिन जाने वाले के माध्यम से तो उन्होंने लिखा दिया गुरु जी की संगत है कौन है, उसने कैसे पहचान लिया, कैसे गुरु जी ने उसकी प्रेरणा को दी होगी। और गंगा जी ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर करूं तो आप यकीन नहीं मानोगे मेरे साथ हुए हुए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक दिन मैं ऐसे में कभी ठीक है सुबह, अब तो थोड़ा पारा पारा चले जाते हैं शहर के लिए, रात को मैं कभी नहीं, उस दिन अचानक मेरा मन करा क्या शहर में जाए, रात को 11 बज रहे, मेरे बेटे के भी आने का टाइम हो रहा है जॉब पे, तो क्या शहर करता हूँ सड़क पर नहीं चलता। अच्छा उससे पहले हमें किसी ने कहा जी आप ना घर में जपजी साहब का गुटका रखो, हमें कोई पता नहीं कि क्या होता है, हमने हाँ जी हम देखेंगे। मैंने तो समझा था गुटका भी मिलेगा कहाँ, किसी ने कहा जी गुरुद्वारे से मिल जाएगा आपको, अब या तो स्पेशल गुरुद्वारे जाया जाए तब मिलेगा। अब हम गुरुद्वारे कह रहे कभी गए नहीं, गए भी तो बहुत कम रहे, अब जाके किसी से किससे मांगे, मन में आया ठीक है जब होगा ले लें। रात के सर्दियों के दिन 11 बजे पौने 11 का टाइम, मैं सड़क पे ऐसे ही सैर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा रेड लाइट पे पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक सरदार जी सिंह पतले से 50-55 साल की उम्र होगी बैठे, और वो किताबें छांट रहे बैठे बुक्स,
तो मैं अपना पैर करता निकल गया, दूसरा राउंड आया तो मुझे देख के कहते हैं आप कोई बुक ले लो। मैंने कहा लोग जैसे बुक्स पुरानी हो जाती है तो पेड़ वेड़ के नीचे रखाते हैं कि लो जी। मैंने कहा जी मेरे को बुक चाहिए थी, उन्होंने जवाब कर दिया कहते जपजी साहब का गुटखा ही ले लो। जय गुरु। उन्हें कैसे पता कि मुझे गुटखे की तलाश है? मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने उसी टाइम गुरु जी को याद किया मन में, मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं बोलना तो मुझसे कोई गलत बात नहीं है, इन्हें ही बोल दे दो। मैंने कहा मेरे हाथ जोड़े गंगा जी, उन्होंने मुझे जपजी साहब का गुटखा दिया। आप यकीन नहीं करोगे वो ब्रांड न्यू था, बिल्कुल नया, जैसे अभी किसी ने उसको खोला भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा ले लिया, मैंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने ना तो मेरे से कोई पैसे की डिमांड करी ना कुछ और, उन्होंने मेरे से क्या कहा कहते मेरे अंदर ना गुरु नानक देव जी ने, मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा अच्छा जी, और वो फिर मुझसे बोले जवाब जाओ। मैं कहा हाथ जोड़े जय गुरु जी मन में बोला और मैं आ। तो कैसे वो मन की सुनते हैं, कैसे वो कल्याण करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं छोटा सा सत्संग आपको बताता हूँ। हमारे कोई नोन है, गुरु जी के मंदिर वगैरह जाते हैं, उनकी फैमिली में कोई लेडी जो 40 साल की उनकी नहीं रही होगी, हमें पता लगा वो बीमार है। अक्सर हो जाता है थोड़ा बहुत कोई बीमार, चलो डॉक्टर से दवाई चल रही, आराम आया नहीं आया, 4 दिन हो गए जी दवाई खा के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हुआ क्या जी, पैर जो है सूज गए, पैरों में स्वेलिंग आ गई, चला के जा रहा और बेड पे ही। डॉक्टर दवाई चलते चलते हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए, कोई सुधार नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा भाई हमारे पास तो एक इलाज है ही है, जब आपके सारे इलाज, मैंने कहा बड़े मंदिर चलो। तो ये पहले तय हुआ कि ठीक है जी कैब कर लेंगे, इनको आंटी को बिठा लेंगे चले जाएंगे। इत्तेफाक से जो हमें टाइम तय किया उस दिन सुबह से ही बारिश होते सारे दिन रुकी नहीं, सारे प्लान फेल हो गए। अब हमने क्या करा, हम खुद भी बारिश में भीग गए। अब ये हुआ कि इनको छोड़ो बड़े मंदिर जाके, वहां से लोटा वोटा ब्लेस करा के लाके हैं। हमें ये भी पता था उस समय की लोटा ब्लेस करा के लाना या नहीं लाना। चलो जी हम चले गए, हम यहाँ से निकले, मेट्रो से गए, वहां उतरे, आगे चले गए, बस आ गई जो शायद तिलंगर कहीं जा रही थी, बड़े मंदिर जा रही थी, हम उसमें बैठ के चले गए। वहां गए प्रसाद लिया, रात का समय था लंगर प्रसाद, तो उन्होंने आधी रोटी जो प्रसाद की मिली वो अपनी जेब में रखी। हम बस में आए, इत्तेफाक देखो वापस आए वही बस पे, वापस से तैयार मेट्रो तक के लिए, हम उसी में बैठ गए। तो फिर अंकल से हो जाती जान पहचान, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा अंकल कोई स्वरूप मिल जाता, क्योंकि मेरे पास भी स्वरूप होते हैं लेकिन मैं जेब में रख के नहीं घूमता, घर पड़े होते हैं, जो चाहिए होता दे भी देते हैं। तो वो कह रहे नहीं। अच्छा मैंने कहा कोई स्वरूप मिल जाएगा, छोटा लॉकेट मिल जाएगा कुछ मिल जाए। तो आंटियां पर्स रखती हैं बस में 40-50, मैंने कहा आंटी देगा तो रुको मैं देती हूँ, उसने पर्स से एक छोटा स्वरूप निकाला हमें दे दिया। हमने वो लिया, वहां से टॉफी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। अब हमें देख के ध्यान आया कि लोग तो बड़े मंदिर जल प्रसाद लेके जाते हैं, तो हमने कहा हम तो लाए नहीं, हम तो बोतल ही लाए लेके किसमें जाएंगे। तो वो भी उन्होंने नहीं से बस से समस्या हो गई, आंटी ने अपना जल प्रसाद आधा डाल के दे दिया कि ले जाओ ले जाओ। चलो जी हमें वापस आते आते 11 बज गए, तब तक वो बैठ गई थी जिनको कोई आराम नहीं आ रहा था, पैर सूजे पड़े। उन्होंने बाद मुझे व्हाट्सएप पे फोटो दिखाई थी कि पैर कितने सूजे हुए थे, बहुत सूजे हुए पैर थे। अब आए, अब देखो हमें भी इतनी समझ में, तो गुरु जी का नाम लिया, हाथ जोड़े, अरदास लगाई, गुरु जी आपने ही करना, हम तो कुछ, हम तो आपका नाम लेके जो जितनी समझ उतना कर रहे। हम वापस आए, हमने उन आंटी को चपाती प्रसाद दिया, टॉफी प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया जो हम लाए थे, लॉकेट दिया। आप ये लगा लो वो लॉकेट, अब कहाँ धागा ढूंढते थे। फिर वो मौली जो होती है मंदिर पर रखी थी उसी से बांध के उनके उनको गले पहना दिया। मैंने कहा अब सुबह देखे, आप ये लगा लो संदर जी जो कहीं से आराम नहीं आ रहा था, अगले सुबह रात को 11 बजे सुबह जब मैंने उनको पूछा तो हाँ जी धीरे धीरे थोड़ा चलना शुरू हो गया, जो बिल्कुल बैठ गए जय गुरु। और उस दिन के बाद आप ये लगा लो बिना किसी दवाई ट्रीटमेंट के वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। अब एक बात का मैं ये सवाल आया, तर्क बहुत चलता है, दिमाग बहुत चलता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। अगर एक बात बताओ
अगर उस आंटी को कुछ नहीं था तो 15 दिन से बेड पे क्यों थे, उसके पैर क्यों सूजे हुए थे, और अगर उसे कुछ था जो ठीक नहीं हो रहा था तो वो रात के 11 बजे से ऐसा क्या हुआ कि सुबह तक वो ठीक होने लगी। ऐसा नहीं है कि आप उनके दरबार में जाओगे तो ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहां उन्होंने पहले ब्लेस किया है तो जानते भी नहीं समझते गुरु जी को, उनको पहले ब्लेस किया फिर वो लोग गुरु जी से जुड़े। ऐसे भी बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जिसमें गुरु जी ने पहले ब्लेस किया फिर वो लोग आते गुरु जी से जुड़े। और बहुत सारे ऐसे भी किस्से, सड़क शाम जो बिल्कुल रोड पे चलने वाले लोग उनको करोड़ों पति बना दिया, लेकिन उनको बड़े मंदिर आने का हुक्म गुरु जी ने नहीं दिया। अगर कोई जाता है तो उनकी मर्जी से, वो चाहते तब कोई जाता है और जब तक वो जाएंगे तब तक कोई जाएगा। सत्संग का भी यही है, जब तक वो चाहते हैं तो सत्संग होगा। बहुत सारे सत्संग मंदिर रहते हैं, सालों साल चलते हैं, फिर जब तक गुरु जी का हुक्म हो तो उसका असर बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब तक वो मालिक की मर्जी है तभी तक होता है। आप लोग यहाँ बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, सत्संग अटेंड किया, वो भी उनकी मर्जी है, किस किस ने आना है, किस किस ने जाना है, ये वही तय करेंगे। और जो साक्षात धरती के विराजमान है, जितने कल्याण वो कर रहे हैं इस समय उसका कोई हिसाब ही नहीं। अभी मैं आपको 2018 का एक सत्संग बताता हूँ जो लेटेस्ट है। अभी वो मैंने कहीं पढ़ा था, वो मेरे साथ नहीं हुआ, वो मैंने कहीं पढ़ा था। कोई आंटी जो नई नई गुरु जी से जुड़ी थी, कोई आंटी नई नई गुरु जी से जुड़ी थी, लेकिन होता है ना शुरू में जुड़ते उतना विश्वास नहीं होता, तो वो एक आध बार गए होंगे सत्संग वगैरह पे, ठीक है थोड़ा विश्वास है थोड़ा नहीं है। उनको किसी ने सत्संग का इन्विटेशन दिया कि आप फला दिन सत्संग है, आप सत्संग पे आना। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएंगे, उनके दिमाग से स्लिप हो गया, उनको भूल गया कि हमने किस दिन सत्संग पे जाना है। वो उनकी 4 साल की बेटी जो कि जिसे कुछ पता भी था गुरु जी को क्या होता, 4 साल का बच्चा क्या होता तो कुछ नहीं मालूम। और जैसे आजकल खिलौने आए हुए हैं बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें मोबाइल बना होता है, दोनों तरफ से खोलता है, ऐसे कोई ज्योमेट्री बॉक्स होगा, तो वो गुड़िया उससे खेल रही थी। तो खेलते खेलते अचानक वो बोली, मम्मा गुरु जी का फोन आया है, आप बात कर लो। अब वो आंटी देख रही है कि उनसे क्या कहे, बच्चे से क्या कह सकते हैं। वो पर हैरान जरूर कि इस बच्ची ने कभी गुरु जी का नाम ही नहीं सुना, आज तक इसके सामने कोई जिक्र भी नहीं आया, ये क्या कह रही है। तो लेकिन उसने कहा बेटा ऐसा है आप ही बात कर लो और मेरे को बता देना कि वो क्या कह रही है। ठीक है, तो वो कह रही, उसने कहा, वो ऐसे जब अपना फोन पे बात कर रही, वो भी अपने काम में मस्त हो गई। तो थोड़ी देर बाद आंटी ने आके गुड़िया ने कहा, मम्मा गुरु जी कह रहे हैं कि आज शाम को मेरी पार्टी है, आज शाम को मेरी पार्टी है, तुम जरूर आना। वो हैरान रह गई, उसको याद आया वो जिसमें सबसे का मैसेज है वो तो आज का ही है। वो हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है कि जो मैं भूल गई इस बच्ची को कैसे याद हो, तो फोन करके कह रही गुरु जी ने कहा मेरी पार्टी में जरूर आना। उसने अपने हस्बैंड को फोन किया कि भाई शाम को सत्संग में जाना जरूर आ जाना, और ऐसे ऐसे बात ये बात ऐसे हुई है। चलो वो डिप्टी, उसको बड़ी हैरानी थी, उसको कैसे पता, तो मुझे नहीं पता वो छोटी बच्ची को कैसे पता। अच्छा अभी थोड़ी देर बीती तो वो छोटी बच्ची फिर आ गई, मम्मा गुरु जी का दोबारा फोन आया है। और वो फिर आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या है। तो उसने कहा कि गुरु जी वीडियो कॉलिंग पे, तो आप बात करो। अब वो आंटी ने ज्योमेट्री बॉक्स लिया, उसने देखा कुछ नजर नहीं आया। बच्ची टीचर ने बोली, मम्मा आपको दिखाई नहीं देता दूसरी साइड है, बस इधर वो देख रही थी उसके बैक साइड पे, तो दोनों का फोन बना हुआ। अब उस आंटी ने पलट के देखा तो वही कुछ नहीं है, वो बड़ी हैरान। उसने फिर फोन बच्ची को दे दिया कि कोई नहीं आप बात कर लो, फिर मेरे को बता देना गुरु जी क्या कह रहे। अब उस बच्ची ने फोन लिया, जो बात करी उसके बाद उसने बताया कि गुरु जी कह रहे हैं, उस बच्ची को लड्डू बहुत पसंद है, तो कह रहे गुरु जी ने कहा है कि
कि शाम को आना, मम्मी पापा को जरूर लाना और मैं आपको ना बहुत खूब सुंदर गिफ्ट दूंगा। गुरु जी ने बोला। अब वो आंटी बड़ी हैरान, उनके हस्बैंड भी आ गए, वो लोग अपना सत्संग में चले गए। सत्संग में जैसे एंट्री करते हैं, बच्ची ने दोनों तरफ से, एक तरफ से मदर एक तरफ फादर की उंगली पकड़ी हुई है। तो जैसे ही पास पहुंचे तो बच्ची ने रिएक्शन किया जैसे तो सामने होता है, हेलो गुरु जी। अब दोनों देखो मैं कुछ नहीं दिखा, अरे हेलो गुरु जी देखा, मैं मम्मी पापा को ले आई ना। अब उन्हें कुछ समझ आया, सत्संग ने अटेंड किया, अपना प्रसाद दिया, वापसी आ गए। तो वापसी में उन्होंने सबको प्रसाद के तौर पे डिब्बे दिए, इतने दे बड़े, तो उन्होंने खोल के देखा उसमें लड्डू। जय गुरु। तो कैसे वो सुनते हैं, ये अभी के लेटेस्ट सत्संग, कैसे वो सुनते हैं, क्या वो कर सकते हैं, वो पहले तो समझ नहीं चलते वो कौन है। वो महाशिव है, तीनों लोगों के स्वामी, शिव ने महाशिव। अब शिव और महाशिव में भी अंतर क्या है, जिस तरह हमारी ये पृथ्वी है, ऐसे बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं और ग्रह हैं बहुत सारे, तो इन सब के ऊपर में सुप्रीम पावर है, सबको कंट्रोल करती है, वो महाशिव है यानी हमारे गुरु जी। और अभी हम लोगों को क्या पता है, दो चार अवतार पता होंगे, रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी हुए, हनुमान जी हो गए, उसके बाद फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जिस संगत ने भी शिव पुराण पढ़ी होगी या जो पढ़ते उनको जरूर पता होगा, उसमें लिखा हुआ है कि शिव जी ने हजारों अवतार लिए अलग अलग कामों से, इस समय गुरु जी के रूप में हुआ है। और मैं अपना बताता हूं, शिव पुराण मेरे को भी हुक्म हुआ गुरु जी का पढ़ने का, हमें किसी ने बताया कि शिव पुराण जिसको गुरु जी पढ़ने का हुक्म देते हैं उसको कोई अपने पैसों से खरीद के लाए और उसको पढ़ने के लिए उसके लिए हुक्म होता है, ये हमें नहीं पता। हमें किसी ने कहा था आप शिव पुराण पढ़ा करो, मैं ठीक है, हमारे घर में शिव पुराण थी क्योंकि समझे। अब हमने शिव पुराण ढूंढनी शुरू करी, कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है ना, शिव पुराण ही गायब हो गई, पूरे घर में कहीं नहीं मिली। मैंने अपनी सिस्टर वगैरह का पूछा, शायद उनके गलती से उनके ना पहुंच गई हो, पर वो शिव पुराण कहीं नहीं मिली। चलो हमने कहा ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक आंटी वो भी गुरु जी से जुड़ी हुई है, मैंने उनसे पूछा आपका शिव पुराण है, वो कहे हाँ मेरे पास है, तो मैंने कहा आप मुझे दे देना, मैं पढ़ के आपको वापस दे दूंगा। बोला ठीक है। वो आंटी ट्यूशन पढ़ाती है, जैसे होम ट्यूशन देने के लिए जाती है, जैसे फ्रेंच वगैरह। तो एक दिन वो आंटी सीधी चल के आ गई, उनके हाथ में नई शिव पुराण, कह रही मैं ना गई थी कहीं, मेरी ट्यूशन थी, 250 रुपये मिला तो मैं शिव पुराण खरीद के ले आई। अरे मैंने कहा आपको कैसे घर पड़ी, कह रहे मेरे को घर पे मुझे भी नहीं मिली। देखो वो उन्होंने शिव पुराण की, मैंने पढ़नी शुरू कर दी, रोज सुबह उठ के एक पढ़ लिया। अब उसके बाद हमें जाके पता लगा, किसी ने बताया जी कि शिव पुराण उसको पढ़नी चाहिए जिसको कोई अपने पैसों से खरीद के लाए और दे, तो सीधा सीधा हमारे लिए हुक्म हो गया, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी वो फॉर्मेट मिल गया जो कि हमें पता ही नहीं था। तो बहुत सारी मेहर है उनकी। एक बात, आप सब पढ़े लिखे लोग, आप बताओ दिल्ली का इतिहास सबको पता है, कोई बड़ा पीर पैगंबर, कोई संत महात्मा, कोई अवतार, कोई दसों गुरु सिखों के, कोई साईं बाबा, जिसको भी आप समझते हो, कोई अवतार दिल्ली में हुआ है तक, कोई याद करके बता दो। दिल्ली का इतिहास क्या है, पापियों की धरती, मार काट खून खराबा, उसने उसको, उसने बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को मारा काटा, गलती से सारा बैठ गया, यही है दिल्ली का इतिहास। गुरु जी ने बड़ा मंदिर दिल्ली में ही क्यों बनाया, दिल्ली में ही क्यों बनाया, क्योंकि यहां की संतों के कल्याण के। और गुरु जी कहते भी थे कि दिल्ली की जो संगत है उसमें बहुत एक्सपर्ट है, उन्हें तुरंत चाहिए, अभी मत्था टेका, अभी डिमांड रखी पूरी हो जाए। तो कहते थे कि पंजाब की संगत बहुत अच्छी है, दिल्ली में है, हम भी उसी में आते हैं, जहां बैठे सभी देख लो, हर एक दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मेरा ये वाला काम हो जाए, वो वाला काम हो जाए तो शुक्राना कराऊंगा, ये हो जाएगा तो वो कराऊंगा, और अगर जाना पड़ जाए
तो कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, खाली हाथ तो इतनी दूर है, कुछ लाना तो है ही ना। उनसे आप कुछ मत मांगो, उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या ठीक है, ये वो जानते हैं, हम नहीं जानते। गुरु जी ने कहा था आने वाले टाइम में, हाँ मैं खत्म करता हूँ, उन्होंने कहा था आने वाले टाइम में तीन चीजें बढ़ेंगी, कैंसर, डिप्रेशन और डाइवोर्स। ये तीन शब्द उन्होंने कहे, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐड है, इसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कैंसर का मतलब सिर्फ कैंसर नहीं है, जो सारी बीमारियां उसमें कवर हो जाती है। आप देखो डाइवोर्स के केस में बढ़ते हैं, खाली डाइवोर्स ही नहीं है, वो भी केस उसी में आ जाते हैं जहां शादियां नहीं हो रही, शादियां हो रही है तो बच्चे नहीं हो रहे, वो भी उसी में ऐड हो जाते हैं। और डिप्रेशन किसको नहीं है, हर आदमी डिप्रेस है, हालात काबू में नहीं आ रहे। आने वाला समय खराब है, लेकिन जो मालिक से जुड़ जाएगा, उनकी शरण में चला जाएगा, उसकी रक्षा तो करेंगे ही करेंगे। और उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको दिखा दे क्या दे सकते हैं उनको, तेरा मन के भाव, आप मन से उनसे जुड़ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए आपको। जय गुरु जी।